नमस्ते गाइस, आशीष हियर फॉर नमस्ते टेक। और अगर आपके पास ASUS का ZenFone Max Pro M1 है और आप उसमें अपने ऐप्स को लॉक करना चाहते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर के थ्रू, तो इस वीडियो में हम आपको एग्जैक्टली वही बताएंगे। इस फोन में एक स्टॉक एंड्रॉयड आता है और इसमें कोई भी नेटिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो आपको काम करना है वो ये है कि अपना फिंगरप्रिंट आप इसमें ऐड कर लें। अगर आप सेटिंग्स में जाते हैं और सिक्योरिटी एंड लोकेशन में जाएंगे और फिंगरप्रिंट पर अगर आप टैप करते हैं तो आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट ऐड करने का ऑप्शन मिलता है, जो कि बहुत इजी प्रोसेस है। बस आप जिस फिंगर को यूज़ करना चाहते हैं उसको सेंसर की तरफ टच करें और कुछ ही सेकेंड्स में आपका फिंगरप्रिंट रेडी हो जाएगा। ये करने के बाद आपको प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा, जहाँ एक एप्लीकेशन है ऐप लॉक करके, इसको आप इंस्टॉल करिए और आपको क्विकली सेटअप करना पड़ेगा। तो आप इसे ओपन करिए और ये आपको पैटर्न सेट करने के लिए बोलेगा। ये पैटर्न आपके फोन के पैटर्न से डिफरेंट होना चाहिए फॉर सेफ्टी रीजंस। तो आप दो बार अपना पैटर्न करिए और तीसरी बार आपको ये ईमेल आईडी मांगेगा। तो इससे ये फायदा होगा कि इन केस आप ये पैटर्न भूल जाते हैं तो आप इसे रिकवर कर सकते हैं और एक नया पैटर्न सेटअप कर सकते हैं। इसके दो टैब्स है, प्राइवेसी और प्रोटेक्शन। प्राइवेसी के अंदर आपको मिलता है सारे एप्लीकेशन जो आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड है उन्हें लॉक करने का ऑप्शन। तो अब मैं चाहूँ तो प्ले स्टोर को लॉक कर सकता हूँ। तो जब आप फर्स्ट टाइम इसे लॉक करने के लिए करेंगे तो ये आपको एक परमिशन मांगेगा, जो कि आपको एंड्रॉयड की तरफ से सेट करना है। तो आप परमिट में जाइए और ऐप लॉक को ऑन करना है। तो यहाँ ऐप लॉक पर टच करिए, परमिट यूजेज एक्सेस को टॉगल ऑन कर दीजिए। अब वापस यहाँ पे आ गए, आपका प्ले स्टोर लॉक्ड है। अब अगर मैं प्ले स्टोर पे स्विच करूँगा तो मुझसे ये पैटर्न मांगेगा, तो मुझे पैटर्न देना पड़ेगा। तो अब मैं ऐप लॉक पे वापस जाऊँगा, ओपन करता हूँ, ये पैटर्न मांगेगा, मैंने पैटर्न दे दिया और ये ओपन हो गया। अब मान लीजिए इसे मैं वापस लॉन्च करता हूँ ऐप लॉक को, तो ये फिर से पैटर्न मांगेगा। मैं इसे फिर से अनलॉक करता हूँ, मिनिमाइज़ करता हूँ, फिर से ऐप लॉक पे जाता हूँ और ये फिर से पैटर्न मांगता है। ये थोड़ा सा अनोइंग है, क्योंकि बार बार अगर आप दो ऐप के बीच में स्विच कर रहे हैं और कोई ऐसा ऐप है जिसको आपने लॉक कर रखा है, तो ये बार बार पैटर्न या पिन या फिंगरप्रिंट देना थोड़ा सा अनईजी लगता है। तो हम इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। तो ऐप लॉक में जाइए और आप जाइए प्रोटेक्ट में। सबसे पहले जो हम करेंगे वो है फिंगरप्रिंट का ऑप्शन ऑन। यहाँ पे एक फिंगरप्रिंट लॉक करके ऑप्शन है, उसे आप ऑन कर दीजिए। अब जब भी आप कोई भी ऐसा एप्लीकेशन जो लॉक्ड है उसे आप लॉन्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपसे फिंगरप्रिंट और पैटर्न दोनों का ऑप्शन देगा, जिसे कि आप अनलॉक कर सकते हैं। अब जो हमें बार बार स्विच करते टाइम जो लॉक मांग रहा था वो जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। तो आप जनरल में जाइए और थोड़ा सा स्क्रॉल करिए और आपको मिलेगा एक अलाउ अ ब्रीफ एग्जिट का ऑप्शन, जो कि यहाँ पे है। ये फिलहाल 0 सेकंड है, आप इसे ऑन करिए और यहाँ पे चूज़ करिए, मैं सजेस्ट करूँगा 15 सेकंड्स। तो अगर आप कोई भी एप्लीकेशन के बीच में स्विच कर रहे हैं बार बार, 15 सेकंड्स बहुत है। अब मैं इसे मिनिमाइज़ कर देता हूँ और प्ले स्टोर को मैं लॉन्च करता हूँ, तो ये मुझसे पैटर्न मांगेगा। और अब मैं क्लोजअप लुक दे रहा हूँ, यहाँ एक वाइट का ऑप्शन देख सकते हैं आप इस तरफ। अब मैं जब इसे टच करूँगा फिंगरप्रिंट से तो ये ग्रीन हो जाएगा, अगर पैटर्न नहीं मैच हुआ तो ये रेड होगा और मैच हो गया तो ग्रीन हो जाएगा और आपका प्ले स्टोर लॉन्च हो जाएगा। अब मैं इसे मिनिमाइज़ करके वापस प्ले स्टोर अगर ऑन करता हूँ तो अब मुझसे ये पैटर्न या फिंगरप्रिंट नहीं मांगता है, क्योंकि हम लोगों ने इसे ब्रीफ एग्जिट का टाइम दे रखा है। तो दोस्तों, क्योंकि ASUS के इस फ़ोन में नेटिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं है ऐप्स को लॉक करने का, तो हमें ये थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करना पड़ेगा। और ये बहुत ही अच्छा ऐप है, इसमें बहुत सारे कस्टमाइजेशन आपको मिलते हैं, जैसे कि आप प्रोटेक्ट में जाके काफ़ी कुछ चेंज कर सकते हैं, प्राइवेसी में काफ़ी कुछ है और मैं रिकमेंड करूंगा कि इसे आप ज़रूर यूज़ करें। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें इसे अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पर और भी ऐसे वीडियोज़ के लिए। देखने के लिए धन्यवाद।